Krishna, 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 Krish
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एवरीवन सभी लोग आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
Thank you.
Oh,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे 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 कृष्ण
हमारे परम गुरुदेव, हमारे गुरुदेव कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी, जब भी कोई चर्चा भगवत चर्चा प्रारंभ करते तो उससे पहले एक छोटा सा भजन गाया करते, बड़ा ही प्यारा भजन है। भजन इस प्रकार है क्योंकि ये कलयुग जो है संकीर्तन है, संकीर्तन का युग है। संग का मतलब मिलकर कीर्तन करना। तो ये चार पंक्तियों का भजन है, बड़ा आसान भजन है और कीर्तन करने का भी एक तरीका है, और वो तरीका ये है पहले श्रवण और फिर कीर्तन, साथ साथ नहीं होता, गलत है। क्योंकि कीर्तन में श्रवण और कीर्तन, पहले श्रवण और फिर कीर्तन। शास्त्र भी कहते हैं पहले सुनो फिर बोलो, हम बोलते ज्यादा है सुनते कम है। तो ये पंक्तियां चार बड़ी सरल हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंजों में विहार करने वाले राधा माधव, राधा माधव अग्रवाल नहीं, राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। कई बार लोग होता है हम बड़ा जाते हैं कि यार इनका नाम गोविंद है, अच्छा गोविंद ही है ये, अच्छा मैंने कहा अच्छा भाई गोविंद दास बनो तो अच्छा है, गोविंद तो नहीं हो, गोविंद दास तो बन सकते हो, गोविंद तो नहीं बन सकते। तो जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, गोपी जन वल्लभ सारे गोपियों के स्वामी हैं, गिरवर धारी जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, आज उन्हीं की तलहटी में बैठे हैं। गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा जी के जो लाल हैं, यशोदा जी को जो आनंद देने वाले हैं, ब्रज जन रंजन, ब्रज के जनों को रंजन का मतलब समझो, बड़ा सरल है, मनोरंजन, मन को आनंद दे, ब्रज जन रंजन जो ब्रजवासियों को आनंद देने वाले हैं, ऐसे श्री भगवान की जय हो। आज राधा रानी की कृपा से हम लोग यहाँ आज हैं, ये कृपा मैं ज्यादातर बोलता हूँ ब्रह्मा जी भी इस कृपा को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। कई बार हो जाता है जब हम बहुत, मैं बोलता भी हूँ, जैसे हम निकलते हैं तो मैंने कहा राधा कुंड जी के पास से ही निकलती है वो सड़क, 500 मीटर पे है राधा कुंड जी, तो मैं कहता हूँ देखो भूल जाते हैं जय करना, कंप्लेसेंट हो जाते हैं हम, ब्रज में आगे क्या रहते हैं कि हर जगह भगवान की कोई ना कोई लीला तो है ही, तो हम लोग क्या रहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में कंप्लेसेंट को, उदासीन।
हाँ उदासीन हो जाते हैं, इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। जैसे कि अगर पिताजी प्राइम मिनिस्टर भी हो तो आदमी इज्जत करना भूल जाता है, सोचता है ऐसे घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही यहाँ हो जाता है। परंतु ब्रज जन रंजन, और ब्रज के जन कौन है, जिनके जीवन में सिर्फ कृष्ण है, राधा कृष्ण है, वो ही ब्रजन है। जिनके जीवन में राधा कृष्ण नहीं है वो ब्रजन नहीं है, ब्रजजन तो वही है। और उनको भगवान क्या देते हैं, आनंद रंजन, ब्रजजन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना के किनारों पर जो 12 मुख्य वन है उनमें विचरने वाले, उनमें आनंद उठाने वाले, ऐसे श्री भगवान की जय हो। ये भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा हमारे प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, उनके गुरु महाराज के गुरु महाराज ने इसकी रचना करी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो यहाँ आए हो तो खो जाओ, यहाँ के ब्रजवासियों को तो मैं क्या कहूंगा, आप लोगों को तो कह रहा हूँ जो बाहर से आए हैं, रम जाओ। तो इन चार पंक्तियों का अर्थ और आनंद, अर्थ इतना जरूरी नहीं है, भावार्थ ज्यादा जरूरी है। लोग अर्थ तो जानते हैं शास्त्रों का, परंतु भावार्थ नहीं जानते हो। ज्यादा जरूरी क्या है, अर्थ या भावार्थ? भावार्थ। तो आज तो फील करिए, जय राधा माधव कुंज विहारी, यहाँ के कुंजों में विहार करने वाले ऐसे श्री राधा माधव की जय हो। तो मेरा साथ दीजिएगा, एक पंक्ति का मैं कीर्तन करूंगा, आप श्रवण करिएगा, फिर आप कीर्तन करेंगे और मैं श्रवण करूंगा, इससे कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, है ना। राधा माधव कुंज विहारी, सब गाइए। जय गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, यशोधानंद ब्रज जन रंजन, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन।
अष्टोत्तर षट श्री श्रीमद अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। गंगा मई की जय। यमुना मई की जय। तुलसी महारानी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। वेदों के सार श्रीमद भगवद गीता की जय। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय। दिव्य प्रचार कार्यक्रम की जय। जीव जागो भगवद गीता समझो और समझाओ आंदोलन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे आप सब सम्मिलित भक्तवृंद की जय। आप सब सम्मिलित भक्तवृंद की जय। आप सब सम्मिलित भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरुन और गौरंगा की जय। भगवत भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। कृपा करके हाथ जोड़ लीजिए और ध्यान पूर्वक सुनिए। अब हम आवाहन मंत्र पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम भगवान श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर नेताई एवं समस्त
भक्तों का और गुरुदेव गुरु वर्गों का आह्वान कर रहे हैं कि वो हमारे बीच में आए कि हम जो अब चर्चा करने जा रहे हैं उसको हम कुछ सही तरह बोल सकें और आप सही तरह समझ सकें। इस भाव को लेकर ये ध्यानपूर्वक मंत्रों को सुनिए, बस चिंता मत करिए। मंत्र अग्नि समान बताए गए हैं। अग्नि में अब बच्चा हाथ डालता है उसको पता नहीं कि अग्नि जलाएगी, फिर भी वो जलाती है। इसी तरह भक्तिमय सेवा दे दीजिए इस भाव के साथ। ये हरे कृष्ण महामंत्र मेरे साथ एक बार बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। कृपा करके फिर से एक बार हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ ही मेरे बात दोहराइएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय गौर हरि। हरे कृष्ण राधे राधे। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो आप सब पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से ये आज का जो हमने शिलान्यास गौशाला का शिलान्यास का उत्सव रखा, इसमें आपने आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौरनिताय एवं समस्त वैष्णव भक्तों के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उससे हमें पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। आज का बड़ा ही सौभाग्य, बड़ा ही क्या कहें, बहुत ही पवित्र दिन है। अक्षय तृतीया। तृतीया का मतलब तो जानते हैं, तीसरा। क्या तीसरा? आज मैं लिख के लाया हूं क्योंकि बहुत चीजें यहां आज जो हुई हैं। आज अक्षय तृतीया पे पहली चीज तो क्या हुई बताएं आपको? पहली चीज तो ये हुई कि ब्रह्मा जी ने आज ही ब्रह्मांड का निर्माण प्रारंभ किया था। आज ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड का निर्माण जो प्रारंभ किया था वो आज की इस तिथि पे किया था। आज ही आपको मालूम है कि बद्री जी के जो पट है वो आज ही खुलते हैं दर्शनों के लिए। आज ही के दिन कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी को अक्षय पात्र दिया था। आज ही के दिन, और आज ही के दिन कृष्ण भगवान के पास सुदामा जी पहुंचे थे, और आज ही के दिन कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। पता नहीं क्या क्या हुआ। आज ही के दिन भागीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लेके आए। आज ही के दिन परशुराम जी का अवतार हुआ। आज ही के दिन वेद व्यास जी ने महाभारत
का वाचना शुरू किया, गणपति जी ने लिखना शुरू किया। आपको भी लिख लेना चाहिए कि याद चीजें याद रहेंगी। आज ही के दिन माता अन्नपूर्णा का भी अवतार हुआ। क्या? आज ही के दिन माता अन्नपूर्णा का अवतार। कितनी चीजें। चलिए कुछ की चर्चा करते हैं। अक्षय, क्षय का मतलब समाप्त होना, घटना, ये संस्कृत में क्षय हुआ। और अ लगते क्या हुआ? जिसका क्षय नहीं होता। परंतु क्या भौतिक जगत में कोई ऐसी चीज है जिसका क्षय नहीं होता? जो अक्षय पात्र द्रौपदी जी को भी दिया उसका भी क्षय होता था। होता था नहीं होता था? कौन बताएगा कब क्षय होता था उसका? जब वो खुद पा लेती थी उसके बाद उसमें कुछ नहीं रहता, फिर किसी को नहीं खिला सकती थी। तो उसका मतलब अक्षय पात्र का भी लिमिटेशन था कि जब द्रौपदी जी ने पाया तो वो अक्षय जो था वो क्षय हो गया। परंतु कहते हैं आज के दिन में जो कार्य प्रारंभ किया जाए या मन में आप कोई चीज बांधे वो अक्षय होती है। तो वो तो एक ही चीज हो सकती है, कृष्ण भक्ति। बाकी तो हर चीज का क्षय होना ही है, क्योंकि भगवान ने खुद भगवद गीता में कहा है कि मृत्यु क्या है? ध्रुव है। और किसी चीज को नहीं कहा। इसको कहा प्रभु जी, मृत्यु को ध्रुव कहा है। अर्थात इस भौतिक जगत का जो अटल सत्य है, मैं आध्यात्मिक जगत की बात नहीं कर रहा, मैं भौतिक जगत की बात कर रहा हूं। यहां भौतिक जगत का लू भेज रहा है, लू आ रही है ना, फर्स्ट क्लास एकदम। तो बंदी करते भाई इसको। तो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तो कुछ है वो डलता रहेगा, बैठ जाओ। जब भगवत चर्चा कर रहे होते हैं तो उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो अक्षय, आज आपको चांस मिल रहा है अक्षय तृतीया पे, गोवर्धन जी पे। तो आज प्रण लो कि अक्षय के दिन अक्षय ही मांगेंगे, अक्षय के दिन क्षय होने वाली चीज नहीं मांगेंगे। ज्यादातर लोग आज क्या करते हैं? सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। ये वस्तु क्या है? ये क्षय वस्तु है, अक्षय वस्तु है। उसका मतलब अक्षय दिन का बेड़ा गर्क कर दिया। आप कहोगे क्या बोल रहे हो गुरु जी, सारे सोनार पीछे पड़ जाएंगे। मेरी चर्चा होती है इंडस्ट्रियलिस्ट से तो मैं कहता हूं मुझे हेल्प करो प्रचार करने के लिए कि तुम्हारा धंधा बंद करा दूं। ये भक्ति आ गई तो कैपिटलिज्म तो खत्म, इंद्र तृप्ति खत्म, सरल जीवन, उच्च विचार हो जाएगा। आज क्या है? उच्च जीवन, सरल विचार है जितेंद्र प्रभु, सही बात है। एक्चुअली नो विचार। तो हंसने लगे, अरे साहब हम तो दान, हम तो भिखारी लोग हैं, हमने जब सब कुछ छोड़ दिया तो फिर हमें कहा गया दान पे जियो। क्या दिए? दान पे। ब्राह्मण को दान पे जीना चाहिए, क्षत्रिय को टैक्स से, वैश्य को प्रॉफिट से, और शूद्र को तनखा से। ये हमारे शास्त्र कहते हैं इस तरीके से जीवन निर्वाह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जीवन निर्वाह करना चाहिए। अब जैसे बता दिया मैंने कि उन्होंने इतना दिया तो अगली बार जब वो आएंगे तो मुझे लोग साइड में कर देंगे, उनके पीछे पड़ जाएंगे। अजीब है दुनिया, क्या करें, समझते नहीं है।
और जबकि शास्त्र क्या कहते हैं, धनी संग धनी संग, धनी कहते हैं साधु संग साधु संग, साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और सिद्धि तो एक ही है कि किसी तरीके से उस ठाकुर जी के प्रति राधा रानी की आर्मी में भर्ती हो जाए, उनकी फौज में भर्ती हो जाए और जीवन सफल कर जाए, बाकी तो सब खत्म हो जाएगा, सब का सब। मैं इनको बता रहा हूँ, यहाँ आज पता नहीं कैसे मैं आंख में से आंसू भी आ रहे थे कि ये क्या है, कहाँ ले आए आप, मुझे तलवार के क्षेत्र से उठा के बांसुरी के क्षेत्र में लिया है। कुरुक्षेत्र में लैंड ले ली थी प्रभु जी, तलवार का क्षेत्र था वो है। भगवान ने कहा तलवार वलवार चला रहा है, इस बांसुरी के क्षेत्र में आ। तो मैं शुरू में जब आए थे तो गिरधारी जी को भी याद है कि मैं बोला तो कहीं 25-30 लाख रुपए एकड़ मिल जाए क्या। तो गिरधारी जी कहते क्या बोल रहे हो प्रभु जी, गिरधारी जी से हमारी जान पहचान 94 से। तो मैंने इनसे पूछा, बोले प्रभु जी क्या कर रहे हो, ये रेट तो जब थे जब आप 10 साल पहले आए थे, 10-12 साल पहले, तो ये कैसे आ गई। पूछा उनसे कि ठीक है छोटी लेंगे, तो प्रभु जी कहने लगे छोटी ले लूं, मैं थोड़ा सा जीवन में कभी छोटा सोचा ही नहीं हर टाइम, क्योंकि हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद कहते थे अरे बड़ा बड़ा ही सोचता है, और कृष्ण भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं, करने वाले हम थोड़ी हैं, कर तो वो करने वाला वो है, एप्लीकेशन उसके पास लगाते हैं और ये हो गया। फील इट, उसको जगह को, उस ब्रज को, ये अनुभव की जगह है। इसमें जीना पड़ेगा। तो आज अक्षय तीर्थ हुए में क्लैश मत कराओ, क्या करते हो आप, अक्षय तीर्थ पे शय मांगते हो, उसके क्षय हो जाएगा तो प्रभु जी आपस में क्या हुआ, विरोधाभास हो गया। अरे थोड़ी बुद्धि लगाओ ना, भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि किसने दी है, यही चार कार्य करने के लिए, खाना सोना बच्चे पैदा करना और बचाव करना, अरे ये तो जानवर भी कर रहा है। आपको बुद्धि दी है जानने के लिए सही क्या है गलत क्या है, और सही गलत में मतलब क्या है, हमारे शास्त्र बताते हैं, वेद कहते हैं सही और गलत को पहचानना समझना एक ही चीज है, चेतन और जड़ को जानना। किसको, चेतन क्या है और जड़ क्या है, आपके सारे रिश्ते जड़ है, भगवान के साथ जो आपका संबंध है वो चेतन है, जो था है और रहेगा, बाकी आपके सारे संबंध जितने भी संबंध आप स्थापित करते हैं इस जीवन के अंदर, घर बनाते हो वो भी एक संबंध है, वो जड़ से संबंध है, आप जो रिश्तेदारी में संबंध बनाते हो वो भी जड़ है क्योंकि वो शरीर से संबंध है, मेरा बेटा मेरा ये मेरा वो। भागवत कहती है मैं और मेरे के चक्कर में फंस के मर गया, ना मैं को जाना ना मेरा मिला, क्योंकि मैं नहीं जाना, जब मैं को नहीं जानूंगा तो मेरा कैसे मिल जाएगा, मैं स्वयं को ही भूल गया। और ये स्थान जो है, ये ब्रज जो है, ये इस चेतना की परिकाष्ठा है, ध्यान रखिएगा। चेतना के भी अलग अलग स्थान है कि किस किस कह नहीं कहते, कई बार आप इंसान को ही कह देते हो गधा कहीं का, नहीं कहते प्रभु जी क्या है गधा, अब गधा है वो गधा है क्या, नहीं गधा नहीं है, उसकी चेतना क्या है, उसकी सोच गधे वाली है। तो इसलिए चेतना के अंदर ब्रज से श्रेष्ठ अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं है, परंतु ब्रज का सोच, इसकी सोच ब्रज की। मैंने एक बार एक कथा सुनी थी जो कि मैं आज तक दोहराता हूं, जब मुझे कोई व्यक्ति कहता है मैंने ब्रज में जन्म लिया, मैं ले सकता है क्या, मैंने ब्रज में शरीर त्यागा, मैं त्याग सकता है क्या, ब्रज तेरे कंट्रोल में है कि तू ब्रज के कंट्रोल में है, बताना जरा बाबू जी।
एक कथा पढ़ रहा था प्रभु जी, एक बाबा जी थे अपने ब्रज के ही, रहते थे नंदगांव के पास, कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति करते थे। एक दिन बड़े नाराज हो गए भगवान से, बोलते हैं क्या ठाकुर, इतनी भक्ति तो मैं अगर राधा रानी की होती तो राधा रानी तो मिल गई होती, मैं अब तेरे पास नहीं रुकता। अपना कमंडल उठाया, रात को मैं तो चला बरसाना। कहाँ चला प्रभु जी? बरसाने चला मैं तो। रात को चले जी, चलते रहे पूरी रात चले, सुबह जब उठे तो अपने ही आंगन में अपने आप को पाया। मतलब ट्रेडमिल पे जो प्रश्न चलते हैं, मतलब ब्रज इतना विस्तार हो गया कि चलते चलते फिर सुकड़ गया, सुबह वहां के ही वहीं रह गए, वहीं के वहीं रह गए। तब मैंने उसको उस कथा को जब सुना, मैंने कहा ये ब्रज जो है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ब्रज में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये एक्सपेंड भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ये बढ़ भी सकता है, सुकड़ भी सकता है। क्या प्रभु जी? ये चेतना का क्षेत्र है। यहाँ अगर आपका ब्रज भाव नहीं हुआ, अर्थात सेवा का भाव नहीं हुआ, तो आप ब्रज में होके भी ब्रज के नहीं हो। सेवा का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण को, राधा कृष्ण को खुश करने की इच्छा। राधा रानी की एक इच्छा रहती है कृष्ण भगवान को खुश करना, और कृष्ण भगवान की एक इच्छा रहती है राधा रानी खुश करना। अजीब सा है ये खेल। तो उनके सेवकों की इच्छा क्या रहेगी? दोनों को खुश करना। अरे ये चीज प्राप्त करने के लिए तो शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मांड का राज्य भी छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ दो, इस रस को प्राप्त करने के। और आप लोग, मैं तो कह रहा था, मैंने आप लोग जो ये आप लोगों के, मैं तो बेकार आदमी कुछ नहीं, आप में से कुछ भक्त है जिसे कारण की यहाँ रहने का उसको मौका मिलेगा, इसलिए मुझसे ये जगह खिलवा दी। मैं तो प्रार्थना ही करता हूँ किसी तरीके से वो भाव आ जाए, वो भाव प्राप्त कर सके, दासत्व आ सके, तो ये अक्षय तृतीया का वो बेकार बच जाने के लिए। यहाँ से जाने से पहले, हिलने से पहले जब यहाँ से जाओ, तो यही सोच के जाना कि किस तरीके से मुझे प्रेम धन मिल जाए। भागवत क्या कहता है? चार पुरुषार्थ की बारे चर्चा नहीं करता, पंचम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं। पंचम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण प्रेम। क्या है? जब भागवत को वेदों का पका हुआ फल कहा है व्यास देव जी ने, धर्म को तो शुरुआत किससे है? धर्म, धर्म से अर्थ कमा, अर्थ से जो शरीर काम का मतलब शरीर निर्वाह करने के लिए इंद्र तो, इंद्र तृप्ति तो होगी, परंतु इंद्र तृप्ति ऐसे कर जिससे कि मोक्ष मिले। परंतु भागवत कहता है मोक्ष भी बेकार है अगर कृष्ण प्रेम ना मिले। जब भागवत में आता है कि कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे धर्म बढ़े, और धर्म ऐसा होना चाहिए जिससे वैराग्य बढ़े, और वैराग्य वो होना चाहिए जिससे कि कृष्ण प्रेम आए। अगर ये इस तरीके से नहीं चलता, सब बेकार है। साफ कहा है कि आपका जीवन का जो कार्य कर रहे हो, जो जीवोपार्जन कर रहे हो, उससे धर्म बढ़ना चाहिए, और जब जीवन में धर्म आए तो वैराग्य बढ़ना चाहिए। त्याग नहीं, छोड़ना नहीं है। छोड़ के भी आप तो जिस चीज को छोड़ो प्रभु जी उसके ऊपर ध्यान रख सकते हो दिन रात। आपको वैरागी बनना है, राग नहीं रखना। फिर राग किसके प्रति रखें? राग तो हमारा स्वभाव है, राग तो रसराज के प्रति रखना है, क्योंकि प्रभु जी रसमय सारे रसों के राजा हैं भगवान श्री कृष्ण। जब इनका एक नाम क्या है? रसराज। आपको टेस्ट चाहिए होता है हर चीज, आप काम करते हो उसमें भी आपको एक स्वाद मिलता है, एक रस मिलता है। आप कुछ खाते हो तब भी उसमें एक रस मिलता है। आपका जो संबंध है उसमें भी आपको एक रस मिलता है। परंतु ये सब रस समाप्त हो जाते हैं
ये कृष्ण भगवान के जो प्रेम का रस है, जो सेवा का रस है, जिसको कि हम कहते हैं भक्ति, क्या कहते हैं प्रभु? उसको प्राप्त करने की चेष्टा करो। ये शरीर, ये सबको चांस नहीं मिलेगा, समझेंगे भी नहीं। सब भगवान की गीता में कहा है, मनुष्य नाम से है सुरेशु कष्टि जतुति सिद्ध, हजारों लाखों में से कुछ लोग सत्य जानने की चेष्टा करते हैं, उनमें से भी कुछ ही चेष्टा करके जान पाते हैं, परंतु उनमें से भी कुछ ही समझ कर इस रास्ते पर चल पाते हैं। आप उन लाखों करोड़ों में से देखिए कितने लोग हैं, कितना प्रचार करते हैं, 40 साल से प्रचार कर रहे हैं, कितने लोग इसको समझने की जिज्ञासा करते हैं, जो थोड़ा समझ भी जाते हैं बस वही रुक जाते हैं कि भगवान सब कुछ दे रहे हैं मुझे, मेरी भक्ति बड़ी अच्छी चल रही है क्योंकि सब कुछ भौतिक दे रहे हैं। और भागवत तो कुछ उल्टा ही कहता है, गिरधारी प्रभु वो तो कहते हैं जब भगवान कृपा करते हैं तो सब ले लेते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं ही एक सिरा सहारा रह जाऊं। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, सारे धर्मों को त्याग दे, माम एकम शरणम व्रजा, सिर्फ मेरी शरण में आ जा। और हम क्या करते हैं, उनकी शरण में जाते ही नहीं है, बोलते मेरी एक शरण है, जो शरण है मैं ही एक आश्रय देने वाला हूं, बाकी तो कोई आश्रय दे ही नहीं सकता, कौन दे सकता आश्रय? आपको चांस मिला है, जिन्होंने यही जन्म लिया उनका तो अति, हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी कहते थे ब्रज में जाने का प्लस पॉइंट क्या है, एक राक्षस भी जाएगा उसको भी लोग कह देंगे राधे राधे, प्रभु सुनना पड़ जाएगा उसको, बच नहीं सकता यहाँ, ये प्रभुपाद जी कहते थे। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ ब्रज, ब्रज की ये महानता है। एक्चुअली उन्होंने कहा है कि जब नया डिवोटी आए ब्रज में उसको ट्रेन करो 20 साल और फिर भेजो प्रचार करने, क्या करो गुरु जी? पहले यहाँ का भाव हो, भाव से ओतप्रोत हो जाए फिर जाए प्रचार करने। परंतु ध्यान रखना यहां अपराध भी जबरदस्त होते हैं, यहां अपराध भी जबरदस्त। यहां अभी जितने लोग हैं ये कोई ब्रज से नहीं है, इनके पूर्वज कोई ब्रज से नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने जब लीला समाप्त करी थी तो सारे ब्रजवासी बोला था अब चलते हैं, सारे चले गए हैं। वो आप लोग के पूर्वज अकलमंद थे जो आए यहाँ, जिन्होंने ब्रज क्षेत्र की महानता समझी, आप में से कोई नहीं है जिनकी कोई पुश्तैनी 5000 साल पहले से कोई चला आ रहा है, नहीं नहीं। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट आया है ये शास्त्रों में, उन्होंने साफ कहा चलो हो गया, लुप्त कर दी सारी लीला, क्या कर दी? लुप्त कर दी। उसके बाद जो आए हैं तो आप लोगों को बहुत अपने पूर्वजों का बहुत धन्यवाद करना चाहिए जो यहाँ आके बसे। उस टाइम यहाँ क्या था प्रभु जी? कुछ नहीं था, उन्होंने सिर्फ ब्रज की महानता समझ कर आए थे। जैसे मैं एक है प्रभु जी यहाँ बात कर रहा था उनसे, बोलते मैंने आप कितने जनरेशन पहले आए? बोले 3। हम वैसे भरतपुर के रहने वाले हैं, हम 3 जनरेशन पहले यहाँ आए, 3 पुष्ट पहले। मैंने उस टाइम क्या धंधा था या कुछ? बोलते नहीं, ब्रज की महिमा को सुन के आए। अब उन्होंने तपस्या तो करी होगी प्रभु जी, उस टाइम कुछ भी नहीं था यहाँ प्रभु जी, या कुछ नहीं था, उनको जीवोपार्जन करना भी आसान नहीं होगा उनके लिए। आप लोगों को, आप लोगों ने पिछले जन्म में जबरदस्त व्यवहार से आए हुए जबरदस्त कर्म किए हैं प्रभु, जबरदस्त। आप पे किसी वैष्णव की असीम कृपा हो गई, क्योंकि भक्त की कृपा के बगैर कृष्ण नहीं मिलते, कृष्ण किसी पे कृपा नहीं करते। जब भी हम राधा रानी के पीछे क्यों घूमते हैं? क्योंकि उनसे श्रेष्ठ कोई भक्त नहीं। आपको ये तो जीवन से सही करने के लिए क्या करें,
भागवत बार बार बताऊं क्या कहता है, दोगलापना छोड़ो। क्या? भगवान कृष्ण को दोगले नहीं पसंद। आगे आ जाओ प्रभु जी, आगे आ जाओ, आगे बैठाओ उस महाप्रभु ले आओ। बैठिए तो क्या पसंद नहीं है? दोगले। भागवत कहता भगवान को दोगले पसंद नहीं, क्योंकि स्वयं अंदर बैठे हैं हमारे साथ। किससे झूठ बोलूंगा हैं? बताइए अंजुगल जी, तो साथ बैठा संध्या, मन में विचार आया नहीं, हमारे करने से पहले उन्होंने सुन लिया। कई बार सोचते हैं ना अकेले में करेंगे, अंडर द टेबल है, घूस खाएंगे पता ही लगेगा, अकेले में खाते हैं घूस, अलग जाके बात करें। शास्त्र बताते हैं, भागवत बताते हैं, हवा धूप अंधेरा ये सब जो है गवाह है। क्या है? गवाह है, ये सब गवाह है। कहां से बच जाओगे? मैं जब भी गिरधारी प्रभु, कई बार क्या होता है जब मैं कभी दुकानों पे जाता हूँ, मैं बोलना बंद कर दिया, डर जाते हैं बेचारे। उससे ज्यादातर सेठ लोग जो बोलते हैं, बोलते अरे आपका ये बैठिए, मैं देख झूठ मत बोल, दोगला मत बन, मेरा नहीं है, अगर मेरा है तो बोलता चल 10 लाख निकाल देगा। मैं हंसना, गिरधारी जानते हैं मैं बड़ा मुंह फटा आदमी हूँ प्रभु जी, मुझे AK-47 कहते हैं प्रचार के सर्कल में। अगर आपने मेरे लेक्चर अगर यूट्यूब पर सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा, मैं ठोक के बोलता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मेरे को जो बताना था भी इनको, मेरे को जो दान भी देते हैं वो भी कहते हैं, बोलते हैं ये एक ही व्यक्ति है जो सुनाता भी और लेता भी है, ये चमचा नहीं मारता। क्यों मारूं प्रभु जी? देने वाला कौन है? आप या ठाकुर जी है? प्रभु जी कौन है? ठाकुर जी। हमारे गुरु महाराज ने यही सिखाया, सत्य बोलो। तो शास्त्र क्या कहते हैं, अगर व्यासासन पे बैठ के झूठ बोलेगा तो नरक जाएगा। लोग कमाल है, सुनाऊं भी और नरक भी जाऊं। तो भागवत इस बात को बार बार कहती है, दोगले पसंद नहीं है उनको। और गुरु होता किस लिए? इसलिए होता है कि दोगला पना है उनके सामने, बताओ ये दोगला पना आ रहा है, कैसे दूर करूं इसको। गुरु को तो पता नहीं है, आज की तारीख में गुरु तो एक, हमारे गुरु महाराज कहते थे फैशन हो गया। क्या हो गया बोलता हूँ क्या? आप किससे पूछो, हाँ जी वो मेरे गुरु हैं, गलत। तुम्हें बोलना चाहिए मैं उनका शिष्य हूं। गुरु तो वो है ही, तू है, तू शिष्य है कि नहीं ये बता भाई। वो तो गुरु है ही। आप क्या बोलते हो प्रभु जी? उस कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूं, राइट? मैं गौरव प्रभु बताइए सही बात है कि वो मेरे टीचर हैं? नहीं, मैं उस कॉलेज का, जब अध्यात्म की बात आती है तो क्या बोलते हैं? वो मेरे, और एक शब्द बोलते हैं मैंने गुरु बना लिया। अच्छा बनाया है? गुरु पूर्णिमा पे लिफाफा ले आएंगे। गुरु इससे अगर खुश हो जाए तो फिर नहीं, वो गुरु नहीं। शिष्य कस्टमर नहीं है, शिष्य शिष्य है। क्या है? अगर आप सोचो कि पैसे दे के आप गुरु को खुश कर लोगे, गुरु की बात कर रहा हूं, देखो गुरु एक ही प्रकार का होता है, झूठा गुरु नाम की कोई चीज नहीं होती, या तो गुरु है या नहीं है, ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी। हीरा है, नकली हीरा होता है कुछ? प्रभु जी बताइए किशोर प्रभु, या तो हीरा है नहीं है। अरे नकली हीरा क्या होता है? नकली हीरा कोई वर्ड नहीं है,
या तो हीरा है या नहीं है, सिंपल। नकली हीरा क्या होता है? इसी तरीके से कोई गलत गुरु नहीं होता, या तो गुरु है या नहीं है, ये सिंपल चीज है। तो आज इस अक्षय तीर्थिया पे अक्षय वस्तु मांगो, और वो अक्षय कौन है जिसका कभी क्षय नहीं होता? वो है कृष्ण, कृष्ण की भक्ति, इनका क्षय कभी नहीं होता। बाकी आपने जितना कमाया है सब कुछ, एक सुई का नोक भी नहीं ले जा सकते, परंतु इसका मतलब नहीं काम नहीं करें, अनासक्त भाव से करो। यही गीता सिखाती है। अर्जुन शुरू में क्या हुआ अर्जुन के साथ? अर्जुन गुस्से में आया था, मार दूंगा इन सबको और ये कर दूंगा। फिर जब सामने आई सेना जिसमें देखे अपने रिश्तेदार, तो आसक्ति ने उसको क्या कर दिया प्रभु जी? कमजोर कर दिया। मेरे भीष्म पितामह, मेरे गुरुदेव, मेरे भाई बंद, मेरे मित्र, आसक्ति से क्या हुआ प्रभु जी? भगवान ने कहा दोनों चीज बेकार, पंडिता पूर्ण वचन कर रहा है परंतु मूर्खों की तरह बात कर रहा है, तो क्या करूं? तो भगवत गीता में भगवान ने ये सिखाया कि कर्म तो करेगा परंतु अनासक्त भाव से। किस भाव से? अनासक्त भाव से। तभी ध्यान रखिएगा, योग कर्म योग से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान योग से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ध्यान योग से भगवत प्राप्ति नहीं होती, सांख्य योग से भगवत प्राप्ति नहीं होती, सिर्फ भक्ति से भगवत प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाकी सबके लिए आपके अंदर कुछ वो होना चाहिए, क्या गुण? जैसे कर्म करने के लिए, कर्म का मतलब कर्म का कमाया हुआ फल देना भगवान को, क्या करना? उसके लिए कमाओगे तभी तो दोगे, अगर कुछ कर लाएगा तभी तो दोगे प्रभु जी। उसका मतलब लाना जरूरी हो गया देने के लिए, अगर नहीं दे पाता तो नहीं कर सकता, नहीं गड़बड़ हो गई। ज्ञान योग में बुद्धि चाहिए, क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। बुद्धि अगर नहीं है मेरे पास, मेरी मेमोरी शक्ति नहीं है, आप जानते हैं प्रभु जी सब पढ़े हुए हैं स्कूल में, कई हमारे क्लास फेलो कई होते थे, कितनी जबरदस्त उनकी याददाश्त होती थी प्रभु जी, कितने बढ़िया होते थे, इंटेलिजेंस होते थे, सब कुछ होते, नहीं है तो ज्ञान योग भी नहीं। ध्यान के लिए क्या तपस्या कर सकते हो आज की तारीख में? इतनी ध्यान योग बगैर तपस्या के नहीं होता, घर पे बैठकर ध्यान योग नहीं होता, शास्त्र नहीं कहते इस चीज को। ये आज मूर्ख बना रहे हैं जितने लोग बना रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं उनको, शास्त्रार्थ करें आके। ध्यान होता था जब तक कि जिसका ध्यान कर रहे हो उसके दर्शन नहीं हो जाए जब तक ध्यान नहीं जड़ते थे। एक घंटे का ध्यान, आधा घंटे का ध्यान कहीं नहीं बताया गया शास्त्रों के अंदर। ध्यान में फंस गए, तपस्या नहीं कर सकते, जंगल जाओ। गीता के अंदर, भगवत गीता में भगवान ने बताया क्या करना है, एकांत स्थान ढूंढो, पवित्र स्थल होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्रभु जी? पवित्र स्थल होना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए। फिर आसन ना ऊंचा ना नीचा, उस आसन के ऊपर मृग छाल होनी चाहिए, और उस मृग की जो स्वतः मरा हो, आपने मारा नहीं है उसको, क्योंकि मारते ही प्रभु जी उसके अंदर वॉयलेंस आ गई, उसके अंदर हिंसा आ गई, वो स्वतः अपना मृत्यु आने पे मरा है, उसकी छाल होनी चाहिए, उसके ऊपर कूसा घास होनी चाहिए, और उसके ऊपर नरम कपड़ा होना चाहिए, उस पे बैठिए और ब्रह्मचर्य का पालन, घर पे रहके नहीं, कहाँ जाओगे? जंगल जाओगे, कहाँ करोगे ध्यान योग बताइए आप मुझे? घर पे बैठ के होता है, मूर्ख बनाते हैं। नहीं नहीं कलयुग में चलता है, अच्छा कानून की किताब के अंदर हर टाइम लिखा होता है, ये अपवाद है। जैसे ट्रैफिक के अंदर रेड लाइट पर रुकना पड़ेगा एम्बुलेंस को, नहीं लिखा होता है अपवाद, एक्सेप्शन लिखा होता है, नहीं लिखा होता बताइए गिरधारी प्रभु, लिखा होता बताओ मुझे कहाँ लिखा है कलयुग के अंदर ये है, कहाँ अलाउड है? परंतु भक्ति, भक्ति का मतलब क्या है? आसक्ति करना, सबको प्रैक्टिस है, पैसा नहीं है तो भी आसक्ति कर सकता है, पैसा है तो भी कर सकता है, बीच वाला है तो भी कर सकता है, सिर्फ क्या करना है? आसक्ति का वो बदलना है, भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति करनी। प्रैक्टिस तो आपको है ही, कई बार लोग मुझसे कहते हैं जी भगवान के प्रति आसक्ति करें कैसे करें, मैंने आसक्ति तो ये प्रैक्टिस है, सिर्फ उसको चेंज करना है। गाड़ी चलानी तो ये आती है, गलत रोड पे चल रहा है इधर से उस रोड पे चला या खत्म,
आसक्ति तो आपको सबको प्रैक्टिस है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। और ब्रज क्षेत्र से बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती आसक्ति करने के लिए, जहां की अगर आप भूलना भी चाहे भगवान को तो दूसरा व्यक्ति राधे राधे कह के याद करा देता है। नहीं करा देता प्रभु जी, भूल भी गए तो गुस्से में जा रहे हो फिर राधे राधे, अरे यार राधे राधे सही हो गए, गाड़ी चलाते ही सही हो गए। ये क्षेत्र की है, उधर प्रभु समझ रहे हैं ना। देखिए शास्त्र क्या कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो जिसके मुंह से राधा रानी का नाम, कृष्ण भगवान का नाम निकल जाए प्रभु जी, तो उसके लिए तो कोई बात ही, उसको साधु मान लो। क्या मान लो? क्योंकि जिसने भगवान को याद करा दिया आपको वो साधु, ये ध्यान रखना जीवन में। उसको जज मत करो प्रभु, उसको जज मत करो। अगर कोई भी व्यक्ति आपको भगवान को याद करा दे वो आपके लिए साधु है। वो साधु है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है आपके लिए। देखिए प्रभु जी, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर भी नहीं है परंतु आपको उसे दबा के कुछ हार्ट अटैक हुआ, दबा दिया, बचा दिया, आपके लिए तो डॉक्टर है। सही बात है गलत बात है? इसी तरीके से जो आपको भगवान को याद करा दे वो कौन है? साधु है। वशिष्ठ प्रभु, इज इट राइट? जो आपका फायदा करे प्रभु जी वही तो फायदेमंद है। जैसे मैं कहता हूं 10 डॉक्टर खड़े हो हार्ट स्पेशलिस्ट टॉप का, और आपको हार्ट अटैक हो जाए, जो बचाने आए वही आपके लिए स्पेशलिस्ट है, बाकी तो कोई स्पेशलिस्ट नहीं। तो यहां ये प्लस पॉइंट है। परंतु एक चीज और है, ध्यान से रहना पड़ेगा। जब जब भूलोगे गड़बड़ होगी, समझे आनंद रूपा प्रभु? वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं आप, सीएस हैं, परंतु अगर आप जरा सा उसका भूल गए उसके वेल्थ मैनेजमेंट किसी क्लाइंट के, तो खराब हो गया खरबड़। यहां बैठे हैं प्रभु जी डॉक्टर्स भी बैठे हैं, सीएस भी हैं, सब हैं। हमारे तो डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट है, यहाँ एक बैठा है जो बेहोश करते हैं ना। तो आज के दिन अक्षय तृतीया महाभारत की शुरुआत करिए आज। और महाभारत का मेन देखिए एक मुकुट है, मुकुट की शोभा उसकी मणि होती है। क्या होती है? मुकुट इसलिए होता है कि मणि को शोभायमान करे। आप जो अंगूठी पहनते हैं वो अंगूठी कैसी बनी होनी चाहिए? वो रत्न को दबा दे या रत्न को उभार दे? रत्न को उभार दे, तो मेन रत्न है। इसी तरीके से महाभारत का रत्न जो है वो भगवद गीता है। महाभारत का जो रत्न है वो क्या है? भगवद गीता। और आपकी जानकारी के लिए महाभारत कलयुग के जीवों के लिए लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा इस बात का। और लोग कहते हैं घर पे मत रखो, तो मुझसे पूछते हैं कई बार कि घर पे रखेंगे तो प्रभु जी लड़ाई होगी। मैंने कहा अगर पढ़ेगा नहीं तो लड़ाई होगी, पढ़ेगा नहीं तो, पढ़ लिया तो सब लड़ाई बंद। देखिए बड़ी अजीब है भगवद गीता, प्रभु जी प्रेरित करती है लड़ाई के लिए, परंतु भगवद गीता पढ़ने के बाद और जीवन में लगाने के बाद शांति आती है जीवन में। अजीब नहीं है? बड़ी अजीब पुस्तक है। मैं जब शुरू शुरू में 82-83 की बात कर रहा हूं, मैंने कहा भगवद गीता को कहते हैं भगवद गीता, भगवान प्रेरित कर रहे हैं लड़ जाके, परंतु जब इसको पढ़ते हैं और जीवन में लगाते हैं अपने, तो इतनी शांति आती है कुछ कहने की हद नहीं। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं यज ज्ञात्व माम शांति व्रच्छति, जो इसको जान जाएगा उसको मैं शांति दे दूंगा। अजीब सा ही लगता है मुझे, परंतु ये हकीकत है, ये फैक्ट है। हम तो कॉर्पोरेट से भी प्रचार करते हैं, टेंशन सबसे ज्यादा है। जिन्होंने जीवन में लगाया है जीवन सफल हो गया। तो इसलिए आज महाभारत की रचना प्रारंभ करी। किसके लिए लिखी थी? व्यासदेव जी। आज कहते परशुराम जी का अवतार हुआ था, है ना जी? किस लिए आए थे? क्षत्रियों को क्यों मारा? कारण
अहंकार, क्या अहंकार हो गया था ना? सिंपल, लोगों को नहीं मारा, उस अहंकार के चक्कर में मर गए। पहले मरे नहीं, पहले अहंकार खत्म करने के लिए उन्होंने उनको मारा। तो अगर आज के दिन को अगर परशुराम जयंती मनानी भी है तो इसलिए मनाइए कि अहंकार खत्म हो जाए, जो ये झूठा अहंकार है ये खत्म हो जाए। परंतु हमारे ब्राह्मण भाई बंधु तो फरसा ही लेके चल रहे थे, अरे पहले खुद का अहंकार खत्म कर ले भाई, फरसों से है, उस फरसे किस पे चला? खुद पर। कहीं अंदर तो नहीं बैठा राजा, कहीं अंदर ही राजा मारे थे ना सारे क्षत्रिय, कहीं अंदर ही राजा बैठा है असुरी राजा, उसको तो मार लो भाई, बाहर के मारने के चक्कर में क्यों पड़े हो? गंगा जी भी आई आज, क्यों आई थी? आप सब देखो, अगर आप पूरा देखो कि ये क्यों आया, ये सृष्टि की रचना क्यों हुई है। ये ज्यादातर हमसे कई बार हम आप लोगों की जानकारी के लिए बताते हैं, फिर से दोबारा रहा हूं इस बात को, एक चीज समझिएगा कि आध्यात्मिक विज्ञान में और भौतिक विज्ञान में फर्क क्या है। भौतिक विज्ञान बताता है ये भौतिक जगह चल कैसे रहा है, और आध्यात्मिक ज्ञान बताता है ये है क्यों। मोबाइल चलता कैसे अगर आपको मालूम पड़ जाए, मैं गौरव जी पूछता हूं आपसे, परंतु ये नहीं पता किस लिए है, ये क्या जरूरी है ज्यादा, पहले पता करना कि ये है किस लिए, उसके बाद कैसे चलता है। इसको कहते हैं उद्देश्य। जब हम 17-18 साल के थे तो यही सोचते थे कि ऐसे 70-80 साल अगर उम्र हुई तो ऐसे निकल जाएगी। आज लगता है गिरधारी को याद है 26 साल 27 साल पहले मिले थे, कैसे निकल गए ऐसे चुटकियों में। आप अपने जीवन में देखिए प्रभु जी, तो मैं यही सोचता था, मैंने कहा ये तो ऐसे निकल जाएगा, ये तो ऐसे निकल जाएगा। सब करा कराया खत्म, सब जीरो। ईश्वर प्रभु आप शॉक हो गए, जापान के अंदर जिनकी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वो सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कर रहे थे। जापान गवर्नमेंट की हालत खराब हो गई थी, तो उन्होंने पूछा स्टूडेंट से ये हो क्या रहा है, बोलते देखिए जी बड़े सरल चीज है, सही बोल रहे हैं वो जो आत्महत्या कर रहे हैं। बोलते क्यों? बोलते देखो जी हमारा IQ जो है बहुत बढ़िया है, इंटेलिजेंट है हम बहुत, हम काम करेंगे, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा कभी कुछ होगा, रगड़ते रहेंगे जीवन भर और एक दिन आके मर जाएंगे, सब जीरो हो जाएगा। तो एंड अगर ये है तो पहले ही खींच लेना उसको, उसको पहले ही खींच लेते, अभी खत्म कर लेते ना अपने आप को, तो ये टंटे से बच जाएंगे। क्या हो जाएगा? इस सारे टंटे से बच जाएंगे। पर तुम्हारे शास्त्र कहते हैं बेटा आत्महत्या करने से टंटे से नहीं बचता, सबसे बुरी गति होती है आत्महत्या वाले की, सबसे बुरी गति। ये अगर जो लोग करते हैं आत्महत्या, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी करते हैं, अभी कॉफी डे वाले ने करी थी कि एक साल पहले, 1.5 साल कितना से वो 1.5 साल हो गया ना, 2 साल हो गए हैं, ज्यादा हो गए, 10,000 acres में कॉफी प्लांटेशन भी थी प्रभु जी उसकी। आज उसकी लड़की, उसकी वाइफ ने पुराने बिजनेस मॉडल पे चली गई, पुराना बिजनेस मॉडल जो था ये नया छोड़कर पुराने बिजनेस मॉडल पे चल गई। 8,000 crore कर्जा था, 2-3 साल में 2,500 पे ले आई है, और आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो टॉप के बिजनेसमैन है वर्ल्ड के, वो उसका मॉडल स्टडी करना चाह रहे हैं। बोलते हैं ये तो हमारे वैश्यों का पहले से चला रहा था ये मॉडल, जिसको मैं लेके आई हूं वापस। आज बताइए उसने आत्महत्या कर ली,
यंगस्टर कर लेते जरा सी बात के ऊपर प्रभु जी आत्महत्या, क्योंकि समझते नहीं। जब यह मेरी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले मैं जयपुर गया था, तो वहां मेरी मुलाकात हुई थी मेघवाल जी से, अर्जुन राम मेघवाल जी आपके यहाँ के प्रभारी भी थे बीजेपी के। 2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई। मैंने, आप क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट क्यों करते हो, पुनर्जन्म सिद्ध कर दो क्या प्रभु जी। प्रभु जी IAS रहे हैं वो, जेब में नोटबुक थी प्रभु जी, फटाक निकाली, पेन निकाला, नोट किया, अपने ADS को भी कहा अरे ये नोट कर। मैंने कहा मिनिस्ट्री बनाओ इसकी, मिनिस्ट्री नहीं बना सकते, डिपार्टमेंट बनाओ। अगर ये अमेरिका सिद्ध कर रही है आज के पुनर्जन्म एक सत्य है, अगर ये सत्य सिद्ध हो गया आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म। आखिरी में जाते हुए बोल के गए मुझे कि इससे तो टेररिज्म भी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा बोलना नहीं चाहिए, इससे सनातन धर्म के सिवाय कोई और धर्म ही नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी कोई धर्म मानता नहीं, जो मेजर धर्म है ये मानते ही नहीं है, परंतु ये साइंटिफिकली प्रूव हो सकता है कि पुनर्जन्म है। तो उन्होंने पूछा मुझसे कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा। मैंने कहा मैं थोड़ी पॉलिटिशियन हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आएगा या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आएगा, पूछा उन्होंने मुझे। मैंने किसी में भी डाल सकते हो आप, एजुकेशन में रिसर्च के लिए आ गया, कल्चर हमारी संस्कृति है इसमें डालिए। और जो अपने आप को हिंदू कहता है, अगर वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता वो हिंदू नहीं है, उसको मंदिर वंदिर नहीं जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करे, ये ध्यान रखिएगा, ये बेकार के ढकोसले मत करिए। पुनर्जन्म हमारा एक अटल सत्य है, ये हमारे सनातन धर्म की बेस है। भगवत गीता में जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा था, मैं आपको बार बार याद कराता हूं क्योंकि इस बोलने से मैं भी याद करता रहता हूं इस बात को, भगवत गीता में भगवान के, जब अर्जुन ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे श्रेष्ठ कर वस्तु बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तब भगवान कृष्ण ने उनको कुछ नहीं बताया, क्या बताया कि तू आत्मा है शरीर नहीं है, और ये आत्मा जो है देहिनी अस्मिन्य था देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहयति, के ये आत्मा जो है, ये शरीर जो है अलग अलग अवस्थाओं से निकलता है, आत्मा उसमें बैठी हुई है। इस शरीर को यंत्र कहा है भगवान ने, यंत्र आरूढ़ानी, यंत्र में आरूढ़ है, यंत्र में बैठा है, आप पूरा जीवन यंत्र के लिए लगा दिया, अपने लिए कुछ लगाया नहीं। बताइए, भगवान भी गीता को शुरुआत ही से करते हैं प्रभु जी, हमारा सनातन धर्म इसे शुरू होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और जब तक ये आत्मा भगवत धाम प्राप्त नहीं करती तब तक मुझे नए नए शरीर प्राप्त होते रहेंगे, और आत्मा का लक्ष्य भगवत धाम जाना है। और बड़ा मुंह फटा आदमी हूं प्रभु जी, मैं बोलता हूं जितने भिखारी रोड पे देखते ना बुरी हालत, ये पिछले जन्म के सेठिया रहे हैं और IAS रहे हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियन रहे पावर वाले, क्योंकि प्रभु जी यही लोग तो पाप ज्यादा कर सकते हैं, पैसा होगा तभी तो पाप होगा, पावर होगी तो गलत यूज करेगा, जिसके पास इतना है जितना आहार निकल जाए है, किशोर प्रभु जी बताइए सही बात है गलत बात है, किसके बच्चे बिगड़ते हैं। मैं तो देखा है, मैं तो हर्षद मेहता तक से मिला हुआ हूँ प्रभु जी, 20,000 करोड़ लेके बैठ गया, बोलता बचा लो, तो हमारे सन्यासी बैठे थे उन्हें पैसे वापस कर दे हंसने लगा, नहीं नहीं रो रहा था प्रभु जी। अब बताइए आप, मुझे पता है प्रभु जी गाली गलौज होती है आपस में, आपका कितना बचा हुआ है यहां मुझे नहीं मालूम, इसीलिए हम ये जो बना भी रहे हैं अब, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अभी मैं पहला, आपको ज्वाइन करना है आ सकते हैं आप, मैं पहला सेमिनार कर रहा हूं अपने राधेश्याम आश्रम में, 70 टीचर आ रहे हैं प्रभु जी, उसमें से 15 एक प्रिंसिपल हैं। हम टीचरों को क्या कर रहे हैं प्रभु जी, 5-6 दिन का सेमिनार कर रहा हूं, वो वहीं रहेंगे हमारे साथ ही, वहीं प्रसाद का इंतजाम सब फ्री कर रहे हैं प्रभु जी, मैं तो नहीं दे रहा, कोई धन है जिसके पास, वो तो लक्ष्मी जी, हम तो लक्ष्मी कहते हैं धन को, हम जब आपस में बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कितनी लक्ष्मी आई, तो उसे याद रहता है कि नारायण की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं है। लक्ष्मी किसके लिए आई जी, अपनी सेवा वाला कौन हो गया बताना, जो अपनी सेवा में लगाता है क्या हो गया है जितेंद्र प्रभु, रावण हो गया। सीता जी को किसकी सेवा में लगा रहा था, अपनी, जबकि है किसके लिए,
आज दिवाली पे बेड़ा गर्क कर रखा है प्रभु जी। राम जी की तो पूजा ही नहीं होती है, लक्ष्मी गणपति जी, गणपति जी और लक्ष्मी जी का कोई मेल ही नहीं है दूर दूर तक। और ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, दो कुलों से आते हैं, एक बृहस्पति से आते हैं, एक शुक्राचार्य जी से आते हैं। शुक्राचार्य जी महाब्राह्मण, बहुत बड़े ब्राह्मण हैं प्रभु जी, महाब्राह्मण तो नहीं बोलना चाहिए, उसका मतलब तो शमशान वाले हो गए, परंतु बहुत बड़े ब्राह्मण, मतलब भगवान ने गीता में उनको श्रेष्ठ कहा है, परंतु किसके, असुरों के हैं वो, किसके हैं? और बृहस्पति जी देवताओं के, वो किसके पास लगाते हैं? विष्णु की सेवा में लगाते हैं, और ये विष्णु से द्रोह कराते हैं, क्या कराते हैं? तो आज तो मैं शौक हूं कि दिवाली मनाई क्यों जाती है कि राम जी आए थे, या राम जी का तो आता पता भी नहीं किस घर में होती है, बताइए प्रभु जी। तो जो लक्ष्मी आती है ना उसको कहते हैं छाया लक्ष्मी। रावण के घर में घुसी थी, रावण का सत्यानाश कर दिया था। जब छाया लक्ष्मी आती है ना प्रभु जी, तो यही होता है। परंतु राम जी के साथ जब आती है तो अयोध्या बनता है। अब आपको डिसाइड करना है। अभी हमारे एक जान पहचान, उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था राम मंदिर में प्रभु जी, जो हमारे मेजर डोनर है। तो उन्होंने ही बोला, मैं हम बताता रहता हूं उनको, मैंने कहा राम मंदिर आप बनाओ, राम राज्य हम बनाएंगे। राम मंदिर से राम राज्य स्थापित हो जाता है? नहीं, राम राज्य उस दिन स्थापित होगा जिस दिन आप राम जी को राजा मानेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, उस दिन राम राज्य आएगा। राम मंदिर पर आप बताइए, राम जी तो लंका भी गए थे, लंका वालों ने उनको राम, उनको माना नहीं। राम राज्य होता क्या है? जहां की जिस, कोई भी राज्य का मतलब है उस राजा की सुनी जाती है। आज हम राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, राम मंदिर जरूरी है, मैं नहीं कह रहा कि गलत है, परंतु राम मंदिर से फायदा जब होगा जब राम राज्य स्थापित होगा। और राज्य का स्थापित होने के लिए राम, कृष्ण भगवान और राम जी में कोई भेद नहीं है, तत्व का कोई भेद नहीं है, सिर्फ लीला का भेद है, तत्व भेद नहीं है, ये कभी चर्चा करेंगे बाद में। ये भगवद गीता किसकी बोली हुई है? राम जी की। इसको समझिए, इसको जीवन में लगाइए और देखिए क्या आनंद आता है। जितना भगवान से दूर होते चले जाएंगे निरानंद में फंसते चले जाएंगे। आज क्या सोच रहे हैं लोग, ये कंपटीशन बड़ी अजीब है प्रभु जी, आज गांधी जी में और कृष्ण भगवान में कंपटीशन चल रही है। गांधी का मतलब हरे नोट चल रही है। आज काम कौन कराता है आपको ऑफिस में, कृष्ण भगवान गांधी जी? बिल्कुल फादर ऑफ नेशन बनाया प्रभु जी। टक्कर आज इन दोनों में है। अब आप सोचो आप किसके साथ चलोगे, टक्कर इनके साथ। प्रसाद लग रहा है, इसके भोग लग रहा है, उसके बाद प्रसाद होगा सबके लिए। यही मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ। हम तो यही कहते हैं लाओ कृष्ण राज लाओ, कैसे आएगा? तो ये जो जगह ली है इसका उद्देश्य यही है। मंदिर तो होगा, हमारे डोनर कहते हैं भव्य बनाओ कि दुनिया देखे, ठीक है जी, जो वो चाहेंगे वो बन जाएगा। परंतु तो हमारा बेसिक इंटरेस्ट ये है, जो हमारे गुरु महाराज कहते थे, हमारे मंदिर एजुकेशनल सेंटर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हाँ, ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी, जो आज इस्कॉन गड़बड़ कर गया है इसमें। तो हमारे मंदिर के अंदर हम यहाँ विचार कर रहे हैं, एक वैदिक एक्सपो होगा जिसमें कि आदमी जाएगा, मेरा पूरा चल रहा है सिस्टम के कैसे, उसको जब वो पूरा घूम के निकले तो जो सनातन धर्म का एक जिस्ट घंटे भर में, पौना घंटे में प्राप्त हो जाए, वो जान जाए कि हिंदुइज्म है क्या। ये यहाँ रूम ज्यादा होंगे लोगों के पढ़ाने के लिए, और जो आके रहना चाहते हैं सीखें, जैसे अभी 70 के कर रहे हैं, अब यहाँ तो पैसा देना पड़ रहा है, अपना होगा तो कम पैसे में काम चलेगा, पैसा तो हर जगह खर्च होगा प्रभु जी। तो ये हमारा विचार है, गौशाला इसलिए, कृष्ण भगवान का मंदिर होगा तो गौशाला के बगैर तो गाड़ी चल ही नहीं सकती, गौ माता का, तो इसलिए स्टार्टिंग कर रहे हैं गौशाला से। अभी इसका प्लानिंग अब होगी, तो फर्स्ट फेज में 30-40 हजार स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन का विचार है, परंतु बेस सिर्फ एक ही चीज,
सब लोग नीम गांव को जान जाएंगे। वो तो जाने हुए हैं, एक्चुअली लुप्त है अभी, वो तो राधा रानी प्रकट कराएंगी। ये विचार यही है कि जहाँ पूरे मेरी इंडिया में इंटरेस्ट है, फिर वर्ल्ड से लोग आए वो बात अलग है, परंतु तो इंडिया में इंटरेस्ट है कि इंडिया का, यहाँ हम टीचरों को ट्रेन करेंगे प्रभु जी। अभी जैसे 70 टीचर आ रहे हैं, ये जब जाएंगे वापस तो बताइए क्लास के अंदर चेंज कर सकते बच्चों को, नहीं कर सकते प्रभु जी। तो ये मेरा टारगेट ये लेके चल रहा हूँ, टीचर्स पे कंसंट्रेट। तो ये पहला सेमिनार हम टीचर्स के साथ कर रहे हैं। वैसे तो मैंने बहुत सेमिनार्स करे हैं, मैं पहला व्यक्ति हूँ विश्व के अंदर जो भागवत सप्ताह नहीं करता, भगवद गीता सप्ताह करता है, क्योंकि उसमें फिलोसफी है, वहां नाच कूद तो है नहीं, नो म्यूजिक फ्यूजिक, कीर्तन शुरू में अंत में, कीर्तन जरूरी है परंतु दर्शन तो जानो प्रभु जी के दर्शन। संस्कृत का बड़ा बड़ा अच्छा है, दर्शन जानो भगवान के दर्शन करने के लिए, ये कैसे करें। तो ये सारा का सारा इसी के लिए, और कोई इसका उद्देश्य हमारा कोई और है ही नहीं कि टीचर बनाएंगे। ऐसी आप लोग भी आएंगे, जैसे हर माता पिता टीचर है कि नहीं है प्रभु जी, हर माता पिता टीचर है, वो भी आएंगे सीखेंगे, जाओ वापस सिखाओ, बच्चे आएंगे। क्योंकि आज ना प्रश्न करते हैं सब, तो इसलिए उनके प्रश्नों के उत्तर, तो हमारा 13 घंटे का तो ऑलरेडी कोर्स है ही, जो अब फ्री बांटते हैं। ये सब आप देख रहे हैं जो डिवोटीज आए, करीब 70-80 आए हुए हैं जयपुर से, ये सब के सब प्रभु जी 13 घंटे सुन के बने हुए हैं, किसी से बात कर लेना, पूरे पूरे परिवार भी हैं। यहाँ बैठा है ये देखो, ये नित्य कृष्ण है, ये गुप्ता जी हाथरस के हैं प्रभु जी, ज्यादा दूर के नहीं है, पास के ही हैं। नित्य कृष्ण प्रभु जी दीक्षित हैं, इनकी वाइफ तो मथुरा से हैं, इनकी वाइफ जो है वो मथुरा से हैं, वो भी दीक्षित हैं। क्योंकि इसे समझ लीजिएगा, ब्रजवासियों को बता रहा हूं मैं, दीक्षा के बगैर भगवत धाम नहीं जाते, ये क्लियर है, ध्यान रखना। शिष्य बने बगैर गुरु धारण नहीं करना, शिष्य बनना है। लोग गुरु धारण के चक्कर में रहते हैं, उनसे मिलते हैं साल में एक बार, नहीं मिलेंगे कृष्ण, स्पष्ट कह रखा है। प्रोटोकॉल है उनका भी, क्या है प्रभु जी प्रोटोकॉल, होता ना मिनिस्टर से मिलने का, भगवान से मिलने का, भक्त के थ्रू, गुरु का मतलब भक्त, उसके थ्रू। ये इनके का है रसिक श्याम का है, ओ ये इनके, वो इनके बड़े भाई हैं, वो गए थे हाथरस से पहली बार, इनका इनकी तरह 10-12 दुकानें हैं जयपुर के अंदर, किसकी आहार की, ये इनकी बेकरी है अपनी, ये जो साथ बैठे हैं ये इनका, ये क्या नाम है तेरा भाई भूल जाता हूँ, समंतक, ये NIT के अंदर भी दिल्ली से इंजीनियरिंग कर रहा है, 16 माला जपता है, 4 नियम पालन करता है, घर में घुसते कुर्ता धोती कुर्ता पहन लेता है, हॉस्टल में करता है कि नहीं अपने रूम में, रूम में जाके करता है कि धोती कुर्ता, तो उसकी आदत वही है शुरू से, शादी फादी अटेंड करने के चक्कर में रहता नहीं, इंजीनियरिंग कर रहा है। इनका बीच वाला उकार सुदन, तो ये उनका छोटा, ये 3 भाई हैं, तीनों के तीनों इनिशिएटेड, इनके तीनों की पत्नियां हैं, दीक्षा लिए हुए हैं, पूरा परिवार काम कर रहे हैं अपना। हाँ बिल्कुल, हरी बोल, हाँ जी, हाँ माता पिता भी इनके दोनों, पिताजी के तो अब देहांत हो गया पीछे, परंतु वो भी दीक्षित थे। ऐसे बहुत हैं लोग, हस्बैंड वाइफ हैं यहाँ भी, ये है देखो ये हमारा म्यूजिशियन, इन्होंने M.Com किया हुआ है, कर रहे हैं अपना काम, और साथ में भक्ति का भी कर रहे हैं। वो हमारे राजेश जैन प्रभु, ये ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि अच्छे अच्छे लोग जवाब नहीं दे पाते। तो यहां कहने का मतलब ये था कि योग का मतलब होता है जोड़ना,
छोड़ना नहीं। आज मैं भी, मैंने क्या जोड़ा, मैंने पढ़ाने को जोड़ा, है ना प्रभु जी। मैं डिसाइपल को छोड़ दिया क्या, जोड़ लिया कि मैं भगवान के बारे में पढ़ाऊंगा। मैं भी गृहस्थ हूं, मेरी धर्मपत्नी है, नमस्कार कर रहे हैं। ये मुंबई से हैं, इन्होंने LLM किया हुआ है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती थी। फिर मैंने कहा वकील तो सबसे गलत आदमी होता है, वकालत मत कर। तो ये माताओं के साइड का देखती रहती हैं और अपने राधा गोप श्रेष्ठ, हमारे लड्डू गोपाल का नाम राधा गोप श्रेष्ठ है, गोपों में श्रेष्ठ है ना वो, तो इसलिए इन्होंने अपने आप ही दिया नाम अपना। उनकी सेवा करती हैं और जोड़ा, जोड़ो बस भगवान श्री कृष्ण को जोड़ो, क्या फर्क पड़ता। काम अपनी जगह है, काम तो करना पड़ेगा, ऐसे मैं कर रहा हूं, मैं कोई पढ़ना पड़ता है, बोलने से पहले पढ़ूंगा नहीं तो कैसे बोलूंगा। तो टीचर हूं, जंगल अब रहे ही नहीं कि जंगल चला जाएगा कोई, तो हर किस्म के हैं, डिवोटीज फुल टाइम डिवोटीज भी हैं। वो कहाँ है, वो सचिनंदन, वो उधर वो ग्वालियर से है, उसके फादर डॉक्टर हैं, ये स्वयं बिजनेस करता है, मोरेना डकैतों का एरिया सर। तो ये बताना चाह रहा था कि सब इन लोगों को भी, कि साधु संघ में ये होता है प्रभु जी, हमको दूसरे को देख के हम भी, हमका दिल भी करता है करें। तो अब यहाँ का पुरस यही करने है, वो बैठे हैं, वो कहा आप कब आए, वो आर्मी में टैंक चलाते हैं, टैंक खड़े हो जाओ दिखा दो मिल लो, ये अभी उधर से चाइना बॉर्डर पे, हाँ टैंक चलाते हैं, सुलामला जपते हैं, हाँ प्रभु जी भगवान को भूख लगा के प्रसाद पाते हैं। एक आदेशी बोल दिया था, नहीं तो पता लगा वहाँ एक ने मंगलवार का व्रत रख लिया तो बेचारा अस्पताल पहुंच गया, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है ना प्रभु जी बहुत। तो तब भी इनकी वाइफ जो है वो दीक्षित है, ये बोल रहे हैं मैं, ये भी रिटायर होंगे अभी कुछ सालों के अंदर, बोले एक्सटेंशन कर लूँ। मैं क्यों एक्सटेंशन कर रहा है, कृष्णा की आर्मी ज्वाइन कर, क्या कर, कृष्णा की फौज में आ जाए। तो हर फील्ड से है लोग, हमारे लोकानंद प्रभु का है, वो साइंटिस्ट व्यक्ति है प्रभु जी, इंडस्ट्री है इनकी फरीदाबाद में, सब बंद बना करके आ रहे हैं। बोले क्या करना है, लड़की है एक वो हॉलैंड में है, एम्स्टर्डम में, बोलते मैं क्या करूँ यहाँ, मैं और मेरी पत्नी तो सेवा ही करेंगे, दुनिया की सारी ऐश करिए। बोलते परंतु अकल आ गई 4-5 साल पहले, उन्होंने 12-13 घंटे सुन के आई, उन्होंने 15 मिनट सुना समझ गए, बोलते अरे यही है, इनको इसरो भी कॉन्टैक्ट करता है, प्रॉब्लम आती है ना कोई साइंटिफिक तो इनसे कॉन्टैक्ट करता है, फिर कैसे करें, हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्री चलाते हैं फरीदाबाद में, अब तो थोड़ी देर में बोलना शुरू कर देंगे चलाते थे, हैं एक टाइम पे फुल स्टॉप करना सीखो, एक टाइम पे कॉमा मत लगाओ, समय दो अपने लिए। अभी तक तो आप कस्टमर के लिए, परिवार के लिए समय देते हैं, आप बताओ बिजनेसमैन हो आप, कस्टमर को सेटिस्फाई करने में लगे हो प्रभु जी, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा कोई बिजनेस चलेगा, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कहाँ बिजनेस चलेगा। अपने लिए क्या कर रहे हो आप, पैसे जब ज्यादा कमाने लगते हैं तो हमारे सुरेश जी की मीठा कम हो गया, बढ़ा कहाँ है प्रभु जी, आहार बढ़ा कहाँ, तो कम हो गया। जब भी हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, कलयुग में संन्यास की जरूरत नहीं है, पति पत्नी साथ रहकर कार्य कर सकते हैं, पति पत्नी
साथ रहकर भक्ति करो। ये अच्छी चीज नहीं है कि मैंने पोते की शादी देखी, मैंने कहा तू तो गया नरक। और लोग इसको बड़ा मानते हैं, ये शुक्राचार्य के चेले कहते हैं ऐसा, ये शुक्राचार्य के चेले कहते हैं, क्योंकि वहां तो 50वें फुल स्टॉप है। क्या है प्रभु जी? 50वें फुल स्टॉप है। मुझे यात्रा कोई अब बुलाता नहीं है अपने 25वें साल के पे, क्योंकि मैं कहता हूँ 25 हो गए चल छोड़, क्योंकि 25 साल ही अलाउड है। कितने साल अलाउड है बताइए प्रभु जी? तो अब हमें वृंदावन चंद्र प्रभु को मत बुलाया करो यार, गड़बड़ कर देते हैं सब। हाँ 50वां मना रहा हूं मैं, तेरा बेड़ा गर्क हो रहा है पता ही नहीं तुझे, 25 साल वेस्ट कर दिए, 25 साल में जो तुझे करना चाहिए था वो करा ही नहीं है। चौहान प्रभु सही है गलत है? ये रिटायर्ड है आर्मी से, अभी 8 महीने पहले तक होते थे, एक पैक लग जाता दिन में और छोड़ दिया छूट गया ना पूरी तरह चौहान प्रभु बचपन से आदत है गलत गंदी गलत हो जाती है ना प्रभु जी, बड़ी मुश्किल से जाती है हमारे। हाँ हमारे वशिष्ठ प्रभु बैठे हैं चांटिंग कर रहे हैं, हमारे हेल्प करते हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। सब कर सकते हैं प्रभु जी, सब कर सकते हैं, जानिए और करिए। हमें सिर्फ इच्छा एक है, हमें चेले बनाने बनाने की चीज नहीं, इच्छा नहीं है। जानो फॉलो करो जीवन जियो कृष्ण भक्ति करो, जो जा जानना चाहता है ठीक है सीखे। इसीलिए और हरे कृष्ण महामंत्र ये बनाया हुआ हमारा नहीं है, कली संतरण उपनिषद एक उपनिषद है, 108 मुख्य उपनिषदों के अंदर एक कली संतरण उपनिषद है। कली का मतलब कलियुग, कलियुग संतरण का मतलब जो तारता है। उस उपनिषद में कहा है ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया कि जीवों जो कलियुग के जीव होंगे इनका वेदों के किसी मंत्र पर अधिकार नहीं होगा, तो इनका ये कैसे इनके लिए अच्छा कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी ने जवाब दिया है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम्नाम। षोडशकम् को बोलते हैं 16 को षोडशकम् कहते हैं संस्कृत में। इति जो बताया गया ऊपर 16 शब्दों का जो नाम है, इति षोडशकम् नाम्नाम कली कलयुग में कलमशा नाशनम, सारी गंदगी को सारी कलाओं को नाश कर देगा। ना तह परत्रोपाय, ना इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेशु दृश्यते, सर्व का मतलब सारे, वेदेशु का मतलब वेदों में, दृश्यते का मतलब है दृष्टि डालने पर भी। यह अपना बनाया हुआ नहीं है, ये कली संत उपनिषद से है। सब कर सकते हैं, मैं भी पैसे ले रहा हूं आपसे, गला कान में फूकूंगा नहीं। अपने आप करिए, ध्यान से सुनिएगा, मन में नहीं, कहां मुंह और कान को जोड़ दीजिए, एक माला से शुरू कर लीजिए। 108 सा 8-10 मिनट लगते हैं, आपका समय है आपके लिए, अपने लिए तो कुछ कर लो प्रभु जी। मैं एक CSR कॉन्फ्रेंस में गया था मुंबई में, तो मैंने कहा था मेरी संस्था गरीबों के लिए नहीं है, मेरी संस्था जिनके पास है उनके लिए है। तो मैंने कहा तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे कि CSR तो गरीबों के लिए होता है। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि तुम अगले जन्म में गरीब ना बनो। तो एक मुस्लिम बिल्डर था वहां, वो आया मेरे पास, रोज 5 मिनट सबको 5-5 मिनट मिल रहे थे, टाटा के भी लोग थे सब थे। मैंने ये हैव नॉट्स के लिए नहीं है, ये हैव्स के लिए है, जिनके पास है कि कल वो हैव नॉट ना हो जाए, जिनके पास कुछ ना रहे।
पर लोग सुधार लो, गांव के अंदर तो ये बुरा जाता था पहले, बहुत पॉपुलर होती थी चीज में मुझे, अरे क्या कर रहा है पर लोग सुधार लो। है जुगल जी, नहीं होता था ऐसा? आज सोचते ही नहीं है, गरीबों के बारे में मेरी दृष्टि अलग है, शास्त्रों के अनुसार है। तो गरीब क्यों है पता है आपको? इतना गरीब क्यों है, तकलीफ में क्यों है? क्योंकि उसने बहुत पाप किए हैं, तो उसका कैसे ध्यान करोगे? उसे हरि नाम कराओ, उसे देते हो तो सिर्फ कृष्ण प्रसाद दो। अगर खाना दोगे ना, वेजिटेरियन भी हो, बगैर प्याज लहसुन के भी हो, उससे क्या होगा? भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक के अंदर, यज्ञ शिष्टा शीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, कि जो मेरे को भोग लगा के पाता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। मेरा भक्त मुझे भोग लगा के पाता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, और जो सिर्फ अपने स्वाद के लिए खाता है वो पाप खाता है। अब बेचारा गरीब ऐसी हो गया पाप के कारण, उसे आपने और खिला दिया है प्रभु जी, बताइए। अरे प्रसाद देते हैं तो उसकी बचत हो जाती, तो इसलिए आपको दो फल मिलेंगे, जो देता है ना उसको दो फल मिलेंगे, उसको पुण्य भी मिलेगा और पाप भी मिलेगा। पुण्य इसलिए मिलेगा क्योंकि उसने उसकी उदर की पूर्ति करी, पाप इसलिए मिलेगा कि तुमने पाप खिलाया, उसको और नीचे पहुंचा दिया, तो दोनों फल आपको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए भगवान को भोग लगाए बगैर कभी कोई वस्तु किसी को मत दीजिए, अपने मुंह में मत डालिए, ये असुर बनाइए। और भगवान को सतोगुणी वस्तु लग सकती है, रजोतमो नहीं लग सकती। रजोतमो में सिंपल है, मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल, ये चीजें जो है ये क्या मानी जाती हैं? रजो और तमो गुण प्रधान। 3 घंटे से ज्यादा पकाया हुआ भोजन, अगर वो पहले 3 घंटे से पहले ही आप भगवान को भोग लगा देते हैं तो फिर वो खराब नहीं होता, फिर वो प्रसाद हो जाता है। क्या होता है? और प्रसाद शब्द का अर्थ है कृपा, प्रसाद संस्कृत का शब्द है, अनुवाद है कृपा। तो इसलिए पहले लोग जब बुलाते थे आप किसी को तो आप क्या बोलते थे? आइए पाइए, प्रसाद पाया जाता है। खाइए तो जानवर खाता है, इंसान तो पाता है। जब वो वर्ड क्या है? खाना, खा ना, प्रसाद पा। तो अच्छा, जब भला कर ही रहे हो तो प्रसाद भोग लगा के दो ना प्रभु जी, क्या प्रॉब्लम है इसमें? एनी प्रॉब्लम? भंडारा करते हैं लोग, भोग लगाइए। और भोग सिर्फ कृष्ण को लग सकता है, ध्यान रखिएगा। 13 घंटे में सुन लीजिएगा, मैं जब छोटा था तो मैं यही सोचता था, हमारे टाइम में ब्रह्मा विष्णु महेश जी और दुर्गा जी, ये 4 ही होते थे ज्यादा। मेरे पिताजी दुर्गा जी के जबरदस्त वो थे भक्त, मतलब वो जब चांटिंग करते थे प्रभु जी तो 1 फुट जमीन से उठ जाते थे। नॉनवेज मुझे बताया नहीं कि नॉनवेज खराब होता है, नॉनवेज खाते थे। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, नॉनवेज खाना पड़ गया, पता ही नहीं था। तो जिस दिन पता लगा उस दिन त्याग दिया, अब 40 साल से ज्यादा हो गए। परंतु गीता में भगवान साहब कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोगों का स्वामी हूं, इसलिए हर चीज को भोक्तारम, मैं ही भोगने वाला हूं। इसलिए भोग किसको लगता है? भगवान। और हम क्या पाते हैं? दास हैं, इसलिए हम प्रसाद पाते हैं, उनकी कृपा पाते हैं। शुरू करके देखिए प्रभु जी, इस्कॉन जो आज बना है ना, ये प्रसाद के जोर पे बना है, शुरू के अंदर सिर्फ प्रसाद के जोर पर। प्रभुपाद जी बनाया करते थे वो नारियल का चूरा और मिल्क मेड को मिला के लड्डू बना के भगवान को भोग लगा के वो एक मृतमान में रख दिया करते थे स्टोर फ्रंट पे, जो आए खा लो, खाते थे। तो कहते हैं लोग, उसको कहते हैं इस्कॉन बुलेट। क्या कहते हैं? इस्कॉन बुलेट। बोलते ये खाने से क्या हुआ? चेतना बदलनी शुरू होगी। ये आपको लगेगा नहीं प्रभु जी, परंतु ये एक्चुअल फैक्ट है। हरि नाम और जीवा के 2 काम है, एक बोलना और एक चखना। हरि नाम बोलो और प्रसाद को पाओ। अभी जो आप पाएंगे सब, ये सारा का सारा भगवान को भोग लगा हुआ है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रसाद में और भगवान में कोई भेद नहीं होता। तो जो कान से नहीं सुनता वो मुंह से आते हैं भगवान अंदर, बोलते मैं तो अंदर जाऊंगा ही। तो इसलिए हम कहते हैं, इससे क्या हुआ प्रभु जी, क्या फायर प्रसन्न होता है?
भगवान को वेस्ट नहीं कर सकते, तो प्रसाद को वेस्ट भी नहीं करते। तो इससे क्या हुआ, सारा एक सिस्टम सेट हो गया, सारा सही हो गया। तो प्रसाद हो गया, प्रसाद का हरी बोल, रेडी है पांच पांच मिनट प्रभु जी। तो एक दो प्रश्न अगर किसी के हैं तो ले लूंगा, क्योंकि हमारे एंड करने से पहले हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है कि प्रश्न के बगैर अगर किसी का कोई शंका है प्रश्न है, हाँ किसी का है तो पूछिए जल्दी फटाफट, डरते भी हैं। ठीक है, तो पांच मिनट का प्रभु जी एंड करना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक सैंडविच, शुरुआत कीर्तन अंत में कीर्तन। लो जी करो, फास्ट ही ले लो। Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
राधा कृष्ण भगवान की, किसी की राज्य की, किसी गौर नेताई की, आप सब भक्त वृंद की जय। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार आप सबका, आप पधारे, कृपा करके प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा।